और प्रोडक्ट ऑफ मैस मोमेंटम को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है सिस्टम होता है, है कि कुछ ऐसी ग्रुप ऑफ बॉडीज हों विदिन सर्टन बाउंड्री एक बाउंड्री के अंदर एक कोई चीज आपकी वर्क कर रही हो लाइक like, बॉडीज पड़ी हो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि एक आपका घर है ठीक है उसकी चार दीवारी है बाउंड्री है और वो एक घर एक सिस्टम है लाइक like, अगर मैं बात करूँ कि एक आपका स्कूल है तो स्कूल की एक आपकी बाउंड्री है और पूरा स्कूल जो है वो आपके इन बाउंड्री के अंदर जो है वो पूरा सिस्टम एक चल रहा है ठीक है दिस इज द सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम वो होगा जिसमें किसी किस्म की कोई एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट ना करे बाहर से कोई फोर्स अंदर ना सके अंदर की कोई जो बॉडीज का कोई uh, है या कोई भी ऐसी चीज जो एक्सटर्नली बाहर की तरफ ना जा सके आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट बाहर से अंदर या अंदर से बाहर मूव ना कर सके ड्यूरिंग द प्रोसेस सो so, लॉ की डेफिनेशन है मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट जब इस तरह से हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसके अंदर अगर मोमेंटम प्रोड्यूस हो तो ऑब्जेक्ट दो हैं दो से ज्यादा हैं तो उनका आपस में जो मोमेंटम है वो जीरो रहता है हमेशा सो कंसिडर आइसोलेटर सिस्टम ऑफ टू सफेज एम वन एंड एम टू अब, अब सफेयर वन जो है वो मूव कर रहा है विदिशिया और सफेयर टू जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी यू, यू, यू टू से क्योंकि एम वन मैस जो है वो एम टू मैस से छोटा है ऑब्जेक्ट का साइज कम होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी उसकी सो so, डेरिवेशन के लिए सबसे पहले जनरल फार्मूला है हमारे पास मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी सो बिफोर क्लूजन अगर हम देखें तो मैस एम वन है U1 है. M2 है तो विलॉन्स टू यू टू ये भी इनिशियली मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैथ एम वन क्या हो जाएगा एम वन यू वन अनिशियमेंटम ऑफ मैस एम टू इज इक्वल टू एम टू यू टू ये अकॉर्डिंग टू द आपके पास मोमेंटम का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आएगा ये सो so, अगर हम टोटल मोमेंटम फाइंड आउट करें तो दोनों मैसेज को हम प्लस कर देंगे मोमेंटम को एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू आफ्टर सम टाइम्स एम वन हिट्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ आपने पढ़ा एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो M1 भी करेगा फोर्स टू ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट फोर्स ऑन एम वन सो वेलोसिटी ऑफ बॉल्स चेंज पहले वेलोसिटी एम वन की यू वन थी उसके बाद एम टू की कितनी थी यू टू थी अब वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी इनकी जब ये कोलाइड करेंगे आपस में एम वन जो कोलाइड करेगा जाके एम टू के साथ उनकी चेंज हो so now their हम दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पे इनकी विलोस्टी एम वन की वी वन है एंड एम टू की v2 है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि दोनों का मोमेंटम क्या बॉडीज का मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा सो हम यहाँ पे निकालते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर क्लूयन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर क्लूयन सो बिफोर क्लूयन हमारे पास था एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू आफ्टर क्लूयन था एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू दिस रिमेन्स दिख